संजुक्ता पराशर, ये नाम है असम की पहली महिला आईपीएस अधिकारी का। संजुक्ता पराशर ये नाम है उस महिला आईपीएस का जिसके नाम से बोडो उग्रवादी खौफ खाते हैं। संजुक्ता पराशर ये नाम है उस बहादुर मर्दानी का जो जंगलों में AK-47 थामे सीआरपीएफ के जवानों और कमांडो को लीड करती है। आज हम आपको असम की पहली महिला आईपीएस संजुक्ता की बहादुरी के बारे में बता रहे हैं, जिसके नाम से ही देश के दुश्मनों की रूह फना हो जाती है। संजुक्ता ने सिविल सर्विसेज में 85वीं रैंक हासिल की। पराशर पिछले कई महीनों से एंटी बोडो आतंकी ऑपरेशन पर अपनी पूरी टीम के साथ काम कर रही है। मणिपुर के चंदेल में डोगरा रेजिमेंट के 18 जवानों के शहीद होने पर संजुक्ता के नेतृत्व में ही पेट्रोलिंग टीम को भेजा गया था। बहादुर आईपीएस संजुक्ता पराशर की टीम ने इसी साल मई में मलदांग में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड सॉग बीजित के 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। संजुक्ता पराशर 2006 बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं। संजुक्ता की बहादुरी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ट्रेनिंग के बाद उन्होंने जानबूझकर इस इलाके को चुना था। संजुक्ता ने अपने इस आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन के तहत साल 2014 में 175 आतंकियों को गिरफ्तार किया और 2013 में 172 आतंकियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। 2015 में संजुक्ता और उनकी टीम ने कई आतंकियों को मार गिराया है, जबकि 64 से ज्यादा आतंकियों को गिरफ्तार करते उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। संजुक्ता ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है और साल 2006 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। 2008 में पहली पोस्टिंग माकूम में असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर हुई थी। कुछ समय बाद उन्हें उदालगिरी में हुई बोडो और बांग्लादेशियों के बीच की जातीय हिंसा को काबू करने के लिए भेज दिया गया। संजुक्ता की नियुक्ति असम की पहली महिला आईपीएस अफसर के रूप में हुई थी।